हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सभी लोग बहुत मज़े में होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock और 10 बजे तक मेरे सारे, ये जो काजल है ना, ये कल का लगा हुआ है। सारे कपड़े आज मैंने सुबह उठते ही 7:30 बजे करीब मशीन लगा दी और मेरा आज बहुत सारा काम हुआ। मैंने सारे कपड़े धुल डाले, बहुत सारे कपड़े थे तो सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं, मैंने बाहर डाल दिया है। चाय भी हो गई है, हस्बैंड भी आज जल्दी चले गए हैं। बस मुझे नहाना है, पूजा करनी है और आज झाड़ू पूजा भी टाइम से हो गया है। तो इधर कुछ पावदा नहीं है ना गुनगुन? हैं, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ, एक चाय और पीऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी। फिर मुझे चलो कोई नहीं, मैं डालू, ठीक है। इंजे गेट वाले डॉगी आ जाएगा, जब डॉग प्लीज जाना। तो मैं बनाऊंगी आज, आज है सैटरडे, कल का कोई ब्लॉग नहीं बन पाया था तो आज है सैटरडे। मैं बनाऊंगी अभी खिचड़ी, क्योंकि दूध दूध दे दूंगी बच्चों को। तो सोच रही हूँ खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड आज बस चाय पी के गए हैं, कुछ खा के नहीं गए। फिर जब हम लोग रहते हैं, मैं इंजल टिंटिन, तो हम कुछ भी बना लेते हैं, फिर कुछ ऐसा नहीं बनाते, शॉर्टकट ही बना लिया, मैगी बना लेते हैं या खिचड़ी बना लेते हैं। तो लंच में हम खिचड़ी ही बनाएंगे और बस नहाना है, पूजा करनी है, कपड़े धो के सब डाल दिए हैं मैंने और सूख भी जाएंगे, कि धूप आजकल बहुत जल्दी, 2 दिन से धूप बहुत ही अच्छी आ रही है तो सारे सूख जाएंगे। हवा भी है, धूप भी है, तो कपड़े तो वैसे भी सूखने ही सूखने हैं। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ, न्यू है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, बस आप देखते जाइए। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ। मेरे कान्हा जी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बहुत गंदी हो गई, एकदम मम्मा की बात नहीं सुनती है। ये देखो एन टिंटिन। अरे बेटा इधर देखो, अच्छा हाय कर दो, हाय। मेरे पास ले आना पकड़ के इसको। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? दोपहर में हम लोग लेट गए थे खाना वाना खा के, और टिंटिन ने, मैं बस लेटी थी, सोई नहीं थी, नींद तो आती नहीं है। टिंटिन बहुत ही बदमाशी करती है, बहुत ही ज़्यादा एंजो को परेशान करती है। और आज मेरे सिर में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द, आधे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने जब, और कपड़े भी आज सुबह से बहुत काम किया, कपड़े उपड़े धुले, बहुत सारे कपड़े धुले, बहुत सारे, आपको दिखाती हूँ, सूख गए हैं सारे कपड़े। और उसके बाद धुलने के बाद मैं बैठ गई थी धूप में। आज मैंने काम भी नहीं किया, काम तो खैर मैं ऐसे ही रहती हूँ घर पे, जैसे रहती हूँ वैसे ही आप लोगों को दिखाती हूँ, तो काम तो ये मेरा जो मैं टिंटिन के लिए लेके आई थी, ये वो है। इधर आओ बेटा, और टिंटिन बदमाशी कर रही है, दिखा दे टिंटी, दिखाते हैं। ये देखो ये कभी बेड पे कूद रही है, दो तरह के सॉक्स पहने हैं इसने, क्योंकि सॉक्स गीले कर दिए हैं। हाँ लो ले लो, इसको भी थोड़ा सा प्यारी कर दो इसको, प्यारी करना है। इधर देखो, अच्छा मम्मा साइड देख लो, मम्मा की साइड देख लो, गंदू बच्चा, हाथ गंदे। और मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ, आज इधर की लाइट ख़राब हो गई, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी इधर की लाइट ख़राब होती है, कभी इधर की लाइट ख़राब होती है। ये इस रूम में लाइट नहीं जल रही है, ये कैमरे की लाइट है। ये देखिए, इस वाले सोफे पे बहुत सारे आज कपड़े धुले थे, अभी अंदर वाले साइड के कपड़े नहीं उतारे हैं, इस वाले सोफे पे भी कपड़े हैं, कपड़े ही कपड़े हैं, अब इनकी तह लगानी है। तो मैंने सोचा तो था कि तह लगा दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। और ये मेरा टैडी है ना, इसको भी वॉश करना है, गंदा हो गया है, तो ये भी वॉश करूँगी मैं।
तो अभी मैं सोच रही थी आज सैटरडे दिया जला के आती हूँ, तो आके खाना बनाऊँगी। क्या खाना बनाऊँगी अभी नहीं सोचा है, सब्जी वगैरह कुछ आते वक्त लेके आऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, पास में ही है, एंजल घर की जोत जला लेगी। तो ऐसे ही होता है कभी कभी, तबीयत ढीली होती है ना, तो फिर ऐसे ही होता है। चलिए मैं आप लोगों से मंदिर से आकर मिलती हूँ। पड़ेगा मैं, क्योंकि तुम एक बार भी सुनती नहीं हो। तो मैं जा रही हूँ मंदिर और मेरा मन नहीं किया कुछ भी करने का, कॉम भी नहीं की सही बताऊँ तो। और ये वाली शॉल है ना, आप अक्सर मुझे इसी वाले शॉल में देखते होगे। अरे यार कॉपीराइट आ जाएगा, इसकी आवाज़ आ रही है, इसकी आ रही है कार्टून की ज़्यादा तेज। हाँ बेटा बस, अच्छा चलो चलो हल्का सा कर दो। तो ये वाली ना जो शॉल है ये बहुत गर्म है और मुलायम भी बहुत है, इसलिए मैं इसको ओढ़ लेती हूँ। और सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा बनाऊँ जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो मैंने इनको फ़ोन किया। मेरे यहाँ ना दाल चावल और उसके साथ भुजिया किसी भी चीज़ की, जैसे भिंडी, मैंने बताया भी होगा आपको ब्लॉग में, भिंडी की भुजी या फिर आलू की या फिर करेले की, बहुत मन से खाते हैं। दाल को फ्राई कर लो और राइस, तो मैं यही सोच रही हूँ दाल बनाऊँगी और राइस बनाऊँगी और करेला खरीद के अभी मंदिर से लौटते वक्त करेला लेके आऊँगी और करेले बनाऊँगी। तो आज डिनर में यही बनेगा, क्योंकि मैं ही बनाऊँगी। इनको थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो ये मेरी पूरी हेल्प करते हैं। जैसे आज सुबह ही जल्दी निकल गए थे सुबह का, तो मैं करके इनको दे देती हूँ ब्रेकफास्ट और इनका टिफ़िन वगैरह पैक करके दे देती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही। हाँ बेटा बोलो। तो अचानक में बिगड़ जाती है, जैसे आज मैं बैठ गई धूप में, बहुत देर बैठ गई तो धूप लग गई, पता नहीं कि हवा भी चली थी, तो मेरा सर दर्द होने लगा, आधा सर दर्द होगा। और मेरा कभी भी सर दर्द ना गोली से नहीं खत सही होता है, मैं लेटती हूँ और विक्स लगाती हूँ, यहाँ तक कि इस वाली कैप से भी होता है दर्द। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ ना, हवा चली, शाम होते ही बहुत ही हवा चलने लगती है, इसलिए मैंने ये कैप लगा ली है। फिर मैं विक्स लगाऊंगी और मुझे विक्स से ही आराम मिलता है और किसी चीज़ से आराम नहीं मिलता। तो वीडियो का एंड में अभी मंदिर से आके ही करूँगी खाना वाना बना के। तो चलिए पहले मंदिर जाते हैं, जोत जला के आ जाते हैं। मैं मंदिर से हो आई, मंदिर पूजा करके, और करेले भी लेके आ गई हूँ। बहुत ठंड है बाहर, हवा बहुत तेज चल रही है। मुझे करेले बहुत पसंद है, इनको भी बहुत पसंद है। अभी करेले फिलहाल बहुत महंगे आ रहे हैं, एक पाव ही लेकर आई 30 रुपए का एक पाव, यानी 120 रुपये किलो। बाप रे, तो मैं फटाफट करेले धुल के काट लूँगी और दाल और करेले तो बना के रख दूँगी, और जब भी आएंगे तब मैं गर्मा गर्म राइस बनाऊँगी। आजकल सब्जियाँ बहुत, तोरी खाने का भी बहुत मन कर रहा था। तोरी कितने रुपए किलो? तोरी भी ऐसे ही 100 रुपये किलो है, क्योंकि अभी ये सीजन वाली सब्जी है नहीं, तो जाहिर सी बात है महंगी मिलेंगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए एक लौंग वाली चाय बना लूँ, उसके बाद करेले काट के फिर करेले बना लूँगी और दाल बना लूँगी। तो इस वीडियो का एंड मैं कर देती हूँ, आज मेरा कुछ खास मूड नहीं था वीडियो बनाने का। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। फिर कल मिलूँगी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।